भारतीय संस्कृति को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे समृद्ध संस्कृति माना जाता है। इसे दुनिया की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति, भारतीय संस्कृति का हमेशा से ही एक विशेष स्थान रहा है। समय बीतने के साथ अन्य देशों की संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता अनादिकाल से अपने पारंपरिक अस्तित्व के साथ उभर रही है। प्राचीन काल में दुनिया में कई संस्कृतियों का जन्म हुआ और फिर नष्ट हो गई। उनमें से एक माया सभ्यता थी, जो आज के मैक्सिको की महत्वपूर्ण सभ्यता थी। आज हम इस सभ्यता के बारे में जानेंगे और भारतीय संस्कृति का उस पर जो प्रभाव है, उस पर दृष्टिक्षेप डालेंगे। मैक्सिको, मध्य अमेरिका। मैक्सिको का प्राचीन शहर देव दिबाकन। मैक्सिको में मैक्सिको की घाटी और प्यूब्ला की घाटी, इनको जोड़ने वाले मार्ग पर 7,660 फीट की ऊंचाई पर एक माया नगरी है। उसका नाम है देव दिबाकन। यह शहर 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2000 सालों पहले इस महानगर में आसमान को छूने वाले मंदिर के शिखरों के ऊंचाई के अवशेष आपको उस समय में वापस ले जाते हैं। चंद्र मंदिर नगर के उत्तरी भाग में स्थित है। मंदिर के विशाल प्रांगण में तीन दिशाओं में 10 और मंदिर है। चंद्र मंदिर से 150 फीट चौड़ा प्रमुख मार्ग निकलता है। 2 किलोमीटर दूर 6 मंजिला केल्सलकोत्तल का मंदिर है। हर मंजिल पर तल्लोक और केल्सलकोल्ला, इन देवताओं की मूर्तियां हैं। इनकी संख्या 365 इतनी है। केल्सल एक पवित्र पक्षी है और कोत्तल का अर्थ है सर्प, अर्थात पृथ्वी और आकाश की एकता का प्रतीक ये देवता है। चंद्रमा और पक्षी सर्प के मंदिर के बीच में एक भव्य सूर्य मंदिर है। इसके आसन का वर्गाकार भाग 750x735 फीट का है। 4 मंजिल पिरामिड के आकार का ये मंदिर 210 फीट ऊंचा है। प्रमुख मार्गों के एक ओर पुजारियों के सुंदर महल थे और दूसरी ओर हजारों नगरवासियों के मकान थे। इस नगर में त्योहारों के अवसर पर लाखों लोग यात्रा के लिए आते थे। माया वास्तुकला। 2500 साल पहले पूरे मध्य अमेरिका में माया संस्कृति का प्रभाव था। इतिहासकार उस समय की संस्कृति को ओल्मेक सभ्यता कहते हैं। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हजारों पिरामिड आकार के मंदिर है। वेरा क्रूज में तोलोनाक्स की भूमि में एल ताजिन, यह एक बड़ा पिरामिड है। 116x116 फीट वर्गाकार आधार में 7 मंजिल है। उनकी ऊंचाई 833 फीट है। प्रत्येक मंजिल में कक्षों की या प्रकोष्ठों की एक श्रृंखला होती है। कुल प्रकोष्ठों की संख्या साल में जितने दिन होते हैं उतनी, अर्थात 365 इतनी है। 7वीं मंजिल के बाद ऊपर वास्तविक मंदिर है। मैक्सिको नगर के पास किकलको में एक गोलाकार पिरामिड पर एक मंदिर है। ग्वाटेमाला में तिकल में भव्य महल, प्रशासकीय इमारतों, घरों के अवशेष हैं। वहां का मंदिर 233 फीट ऊंचा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साधारण सी झोपड़ी थी, वहां भगवान वास करने आए। आते ही वह झोपड़ी पत्थर की बनी और आकाश में ऊपर जाने लगे और उसका परिवर्तन पिरामिड में हुआ। पिरामिड पर मंदिर दिखाई दिया। चिचेन इत्सा 1200 साल पुराना माया नगर है। योद्धाओं के मंदिर के लिए यह नगर प्रसिद्ध था। वह मंदिर 70 फीट ऊंचा था। चारों तरफ सीढ़ियां थी। मंदिर पर स्वस्तिक और कमल की मूर्तियां थी। उकातानी की राजधानी उक्षमल में मिले महल के अवशेष उतने ही शानदार है। महल का ठिकाना यह 600x500 फीट और 40 फीट ऊंचा है। माया मंदिरों की ऊंचाई बढ़ने का कारण यह है कि प्रत्येक 52 साल बाद पुराना मंदिर वैसे ही रखकर उसके ऊपर
नई मंजिल बनवाई जाती थी। खगोल विज्ञान के सिद्धांत पर उनका निर्माण चल रहा था। 45 अंश पर उठ रहा त्रिभुज क्षेत्र, सूर्योदय और सूर्यास्त की किरणें एक विशिष्ट कोण से मंदिर में प्रवेश करे, ऐसी योजना थी। इन सीढ़ियां, मूर्तियां और प्रकोष्ठों की संख्या 365 है, जो माया वास्तुकला एवं अध्यात्म के साथ ही आकाश अवलोकन, खगोल विज्ञान और कालक्रम आदि का माया संस्कृति से संबंध दर्शाती है। मंदिर से विष्णु, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा आदि देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। होंडुरास के मंदिर में ऐरावत पर विराजित इंद्र, महिषासुर मर्दिनी और हनुमान जी की मूर्तियां दिखती है। ग्वाटेमाला में एक असुर की पीठ पर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े शिव की मूर्ति है। मैक्सिको में भारतीय पदार्पण। इस महाद्वीप पर, अर्थात जो बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा, इस पर पहले कदम रखा वह भारत के पूर्वी तट से आए हुए भारतीय संस्कृति के प्रभावी प्रवाह के प्रतिनिधि थे। आधिकारिक तौर पर मैक्सिकन सरकार द्वारा जारी किए गए गैजेटियर में यह पहला वाक्य है। मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, बेलीज, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये गणराज्य भारतीय संस्कृति को अपनी सांस्कृतिक विरासत परंपरा का स्रोत मानते हैं। इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। मैक्सिको से उकातान प्रांत से थोसुड़े में ब्राह्मी लिपि का एक शिलालेख मिला है। महानाविकी वसुलुण, यह भारतीय व्यापारी ईस्वी 923 में वहां गया था, उनका यह लेख है। भारत के पूर्वी तट से मैक्सिको की जलमार्ग की दूरी लगभग 18,000 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर पार करके भारत के सबसे बहादुर साहसी नाविकों की नाव बहुत पहले वहां पहुंची। माया संस्कृति की कालगणना ईस्वी पूर्व 613 में शुरू हुई। यही वह समय था जब भारतीय नाविक मैक्सिको पहुंचे होंगे। यहाँ के गणित, पंचांग, मूर्तिकला, भाषा, वास्तुकला पर भारतीय विज्ञान का विशेष प्रभाव है। माया लोगों ने अपने स्वभाव में और व्यवहार में भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी कायम रखा है। अमेरिका में भारत की आहट। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में जैसे पत्थर की दीवार और फूस की छतों वाले घर मिलते हैं, वैसे ही घर मैक्सिको के सभी गांवों में देखने मिलते हैं। असली आश्चर्य इसके आगे है। यदि आप ऐसे घर में प्रवेश करते हैं, तो उस घर की स्वामिनी आपका मुस्कान के साथ स्वागत करेगी, हाथ पैर धोने के लिए गर्म पानी देंगी। भारत की किसी भी गृहिणी की आतिथ्यशीलता मैक्सिको की इस झोपड़ी में देखी जा सकती है। दूसरा, यदि आप अतिथि के रूप में यजमान के साथ भोजन करने बैठते हैं, तो एक मीठा झटका मिलेगा। टेबल या कुर्सी का उपयोग किए बिना मैक्सिकन आदमी बैठने के लिए चटाई डालेगा और सामने खाने की थाली होगी। इस थाली में ब्रेड, पनीर, अंडे, नमकीन, चिकन नहीं होगा। चकले पर बेलन से बनाई गई एक अच्छी गोल सिकी हुई रोटी और दाल होगी। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। वह कर्तव्य परायण है, क्षमाशील है, प्रसंगी रणचंडी है, फिर भी शर्म उसका सहज स्वभाव है। मैक्सिकन महिला के बारे में भी यही सच है। मैक्सिको में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वह एक संस्कार है। पाताल देश। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार अमेरिका एक पाताल देश है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अंदाजा था। रामायण में सुग्रीव हवाई यात्रा करते हैं। वो श्री राम के सामने पृथ्वी कैसे दिखी, यह वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, आदर्शतल संकाशा ततो वै पृथिवी मया अलात चक्र प्रतिमा दृष्टा गोष्पवत तदा। तेज का वलय भ्रमण कर रहा है,
ऐसा पृथ्वी का स्वरूप उनको प्रतीत हुआ। अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा करते समय पृथ्वी गोलाकार घूमती है और खुद को परिक्रमा करती हुई दिखाई देती है। यह तथ्य इस श्लोक में परिलक्षित होता है। साधारणतः यह भी बताया जा सकता है कि सप्त पाताल कौन से है। अटलांटिक महासागर का तट अतल, वेराक्रूज वितल, उकातान तलातल, मैक्सिको महातल, एकादोर रसातल, ग्वाटेमाला सुतल और पेरू बोलिविया पाताल, ऐसा सप्त पाताल प्रदेश है। अस्तिक संस्कृति। मैक्सिको की घाटी का प्राचीन नाम अनवाक था। पोपोकेट पेत्तल, इष्ट शिवात्तल, ये बर्फ से ढके पहाड़ों में पवित्र पर्वत है। इन पहाड़ों के बीच में तक्षक झील है। एक दिन अस्तिक स्थान से अर्थात अस्तलन से एक स्थलांतरित जनसमूह तक्षक झील के परिसर में आ गया। तेनोस्ति तिल्लान नगर में वह बस गए। उनके देवता विश्तिलो पोक्तली उनका मार्गदर्शन कर रही थी। ये देवता नरभक्षी थी। ईस्वी सन 1374 में अस्तिक लोगों के नायक अंकपिस्तली ने तक्षक साम्राज्य की नींव रखी। तेनोस्ति तिल्लान ये राजधानी खूबसूरत जलनगरी थी। सब मकान एक दूसरे से स्वतंत्र थे। सभी लोग छोटी नावों का इस्तेमाल कर रहे थे। बीच बीच में पुल बनाए गए थे। अस्तिक सरदारों के चमचमाते महल और बीच में से आकाश को छूने वाले मंदिरों की खूबसूरत चोटियां। राजमार्ग के दोनों किनारों पर सोना चांदी हीरे पवित्र पक्षियों के पंख रंग बिरंगे कपड़े और तरह तरह के पकवान बेचने वाली दुकानें थीं। धार्मिक त्योहार मंदिर प्रशासन राजाओं और प्रमुखों की वंशावली दैनंदिन राजकीय घटनाओं के रिकॉर्ड आचार संहिता लिखित भूमिलेख लेखांकन वास्तुकला न्याय और शिक्षा के सभी पहलुओं में समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं से अस्तिक सभ्यता बहुत आगे थी। अस्तिक धर्म। धर्म अस्तिक सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। अस्तिक खुद को सूर्य पुत्र मानते थे। ओम देवत्तल सर्वोच्च देवता थे। विस्तिलो पोक्तली युद्ध की देवता थी तो तल्लोक उनके विष्णु देव थे। अस्तिक पंचांग में चतुर्युग की कल्पना थी। 12 फीट व्यास का अखंड पाषाण कालचक्र उत्कीर्ण किया गया है। इसके मध्य में सूर्य है। माया के सर्वोच्च देवता वानपकु थे। वह ब्रह्मांड के निर्माता थे। किनिश आवा ये सूर्य देव थे और इक्षेल चंद्रदेव थे। स्वस्तिक पर विराजमान दो सुंड के चकदेव उनके पर्जन्य देवता थे। अहमुन यह समृद्धि की देवी थी। कुकुलकन ये वायु के देवता थे और अहपुष यह मृत्यु के देवता थे। अस्तिकों द्वारा माया साम्राज्य की जगह लेने से पहले चक देवता को नरबलि देने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। अस्तिक समाज में भी नरबलि देने की प्रथा प्रचलित थी। एक मैक्सिकन लोकगीत उनके प्रवास की यादें ताजा करता है। सागर से नौकाओं से आई अनेक जनजाति, समुद्र तट पर जहां वो उतरे वो था पुनत्तल। समुद्र तट से निकले उत्तर की दिशा में सियेरा नेवादा पर्वत की तलहटी में ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में निवास किया। फिर से समुद्र तट से ग्वातेमाला तक आए। प्रदीर्घ काल वहां रहे। अंत में वे तमोड़खंड पहुंचे जहां उन्हें अपनी जमीन मिली। 1519 में महत्वाकांक्षी स्पेनिश लोगों ने मैक्सिको पर आक्रमण किया। उस समय मोक्तेजुमा राजा था। स्पेनिश सेना के साथ कोर्तेस जब मैक्सिको में पहुंचा तब सुसंस्कृत और भोले भाले अस्तिकों ने उनका स्वागत किया। स्पेनिश उन्हें लूटने और उनकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए थे क्योंकि ये ईसा और बाइबल को नहीं मानते थे। उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं था। आधुनिक हथियारों और कुटिलता के सामने अस्तिकों का तीव्र प्रतिकार टिक नहीं पाया। मोक्तेजुमा के बाद अंतिम अस्तिक राजा क्वातेमोक इसके साथ कोर्तेस ने बेरहमी से व्यवहार किया।
उससे सोना पाने के लिए उन्होंने उसके पैरों पर तेल डाला और आग लगा दी। दुर्भाग्य अस्तिक राजकुमार ने उससे कहा, हे सेनापति, मैंने सर्व सामर्थ्य निशि इस साम्राज्य का रक्षण करने का प्रयत्न किया है, पर नसीब ने मुझे साथ नहीं दी। अब तुम मेरे प्राण ले लो, यही उचित है, क्योंकि तभी यह राज्य नष्ट होगा। तुम पहले ही मेरे लोगों को नष्ट कर चुके हो। क्वातेमोक के अंत के साथ अस्तिक सभ्यता नेतृत्वहीन हो गई। धीरे धीरे सभ्यता भी नष्ट हो गई।